Welcome friends, welcome back once again to my channel and to the world of GTA 5. Guys, welcome once again to the third episode of GTA 5. तो गाइस लास्ट वीडियो में जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि फ्रैंकलिन और माइकल ने जिमी की जान बचा ली थी और फिर फ्रैंकलिन जिमी को घर ड्रॉप कर करके वापस आ गया। तो इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि फ्रैंकलिन अपने घर वापस आ जाता है वो काम करने के बाद, और फिर लेकिन उसे लेमार दोबारा उसके घर के बाहर मिलता है और वो चाहता है कि वो फ्रैंकलिन उसके साथ कहीं चले क्योंकि उसे कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि मैंने अभी रेस्ट भी नहीं किया है, मैं अभी कुछ काम करके आया हूँ, बट लेमार बोलता है उसका दोस्त है तो उसके साथ चलना चाहिए, कुछ ज़रूरी काम है उसे। तो फ्रैंकलिन और लेमार अभी जा रहे हैं, लेमार के साथ उसका एक डॉगी भी है जिसका नाम है चॉप, चॉप भी इन दोनों के साथ जा रहा है। लेमार बोल रहा है उन्हें वैन में बैठ के एक बंदे से मिलना है और उस बंदे के पास लेमार के कुछ पैसे हैं जो कि वो बहुत टाइम से नहीं दे रहा है, या फिर वो किसी दूसरे गैंग का आदमी है ये क्लियर लेमार ने मुझे बताया नहीं है, बट उसने कहा है कि अभी हमें चलना है उस बंदे के पास और कुछ हिसाब चुकता करना है। तो अब लेमार आप जानते हैं फ्रैंकलिन का बहुत अच्छा दोस्त है तो फ्रैंकलिन उसे किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता। तो फ्रैंकलिन अभी उसके साथ जा रहा है वैन में बैठ के, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फटाफट अभी तो हमें सिर्फ निकलना है उस बंदे के पास पहुंचने के लिए। इस लॉस सैंटोस सिटी में ना कुछ रोड्स काफ़ी डिफरेंट लगती हैं क्योंकि ट्रेन ट्रैक भी सिटी के बीच से जाता रहता है, जैसे कि हमारे कैलकाटा में ट्रैम है वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ट्रेन शायद चलती हैं रोड के बीच में, तो उनके ट्रैक्स बने होते हैं, थोड़े डिफरेंट लगते हैं। हालांकि अभी जब से मैंने गेम्स को खेलना शुरू किया है मैंने अभी तक कोई भी ट्रैम या ट्रेन इन ट्रैक्स पे चलती हुई देखी नहीं है, बट चलती तो होगी जब ट्रैक्स बने हुए हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं, बट वैन है क्योंकि ये कोई कार बाइक की तरफ फास्ट नहीं चल रही, थोड़ा स्लो चल रही है, तो हम धीरे धीरे ही अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। हालांकि मैं आपको कुछ पोर्शन कट कर दूंगा ताकि आप बोर ना हो, और देखेंगे कि उस बंदे के पास पहुंच के फिर हमें क्या करना होगा। गाइस आप लोगों को नहीं लगता कि इस गेम में GTA में जो सिटी दिखाते हैं इसमें रेड लाइट्स कुछ हिसाब से ज़्यादा ही दिखाते हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सच में इतने रेड लाइट्स होंगी किसी शहर में तो वो आदमी तो हमेशा रेड लाइट्स में ही खड़ा रहेगा, अपनी जगह पहुँच नहीं पाएगा। आप अगर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही थोड़े से ही टाइम में हम कितनी सारी रेड लाइट क्रॉस करते हैं, और जो लोग रेड लाइट्स पर भी खड़े रहते हैं उन्हें कितना ही मतलब ज्यादा टाइम लगता होगा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, बहुत ही मुश्किल है। तो वो तो अच्छा है हम लोग रेड लाइट क्रॉस करके जा सकते हैं, अदरवाइज अगर GTA में कोई ऐसा रूल होता कि रेड लाइट्स क्रॉस नहीं कर सकते तो पता नहीं क्या होता। तो गाइस हम वहां पे पहुंच तो चुके हैं जहां पे लेमार कह रहा था, अब वो बंदा भी हमें दिखाई दे गया है जिसके पास हम आ रहे थे, वो किसी से बात कर रहा है। तो हम लोगों ने अपने फेस को कवर कर लिया है कपड़े से ताकि वो हमें पहचान न सके। तो मुझे लगता है शायद ये किसी दूसरे गैंग का ही आदमी होगा जिससे कि हमें कुछ लेमार को अपना हिसाब चुकता करना है। लेकिन हम लोगों को देखते ही ये बंदा एकदम यहां से भाग खड़ा हुआ है, अभी हमें इसे पीछा करना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। अभी वैन भी इतनी धीरे चलती है पता नहीं हम उसका कैसे पीछा कर पाएंगे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कहीं वो भाग ना जाए। तो गाइस नाइट्रो फिट हो चुका है, हम फटाफट जा रहे हैं, लेकिन नाइट्रो इतना ज्यादा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा और हमने कई सारे पोल उखाड़ दिए, गाड़ियां उखाड़ दी, तो शायद स्लो ही ठीक थी ये वैन। मजाक कर रहा हूँ गाइस, नाइट्रो नहीं था वो स्लो पाया था तो वैन की स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी, बट अब फिर से नॉर्मल स्पीड हो गई है। बाइक वाला हमसे ज्यादा दूर नहीं है, सामने सामने ही जा रहा है तो हम अच्छी स्पीड में जा रहे हैं, जितना हो सके जल्दी शायद उसको कैच करेंगे, बट मुश्किल तो है ही अगर कोई बंदा दूसरा बाइक पे है आप वैन में हो तो थोड़ा तो मुश्किल तो होगा उसको पकड़ना। अगर सिर्फ हाईवे पे जाए तो थोड़ा आसान होगा, बट ये तो छोटी छोटी रोड्स पे गलियों में घुस गया। तो गाइस आगे मुझे दिख रहा है कि उस बंदे को बस ने टक्कर मार दी है और वो गिर गया है, हमें फटाफट अब जाके उसको पकड़ सकते हैं, बट वो बंदा एक्चुअली गिर तो गया था, उसकी बाइक यहाँ नहीं रहेगी, बट वो भाग गया यहां से। तो मुझे अब फटाफट इस डॉगी को लेके जिसका कि नाम चॉप है, मुझे जाना है उस बंदे को
पकड़ना है। लेमार थोड़ा पीछे रह गया है, शायद हम ही दोनों को जाना है। लेमार वैन पे ही रहेगा मेरे ख्याल से, या वैन लेके आ जाएगा, जहाँ मैं इसको पकड़ने के बाद उसे कॉल कर दूंगा। वो आके फिर हम लोगों को अपने साथ ले लेगा। बट फिलहाल तो अभी हमें इस बंदे को पकड़ना है फटाफट। कहाँ कहाँ कूद के कहाँ पहुँच गया वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भागे जा रहा है तो बिल्कुल सामने, ऐसा लग नहीं रहा वो भाग जाएगा, बट हाथ में भी नहीं आ रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। हाथ में आएगा कि नहीं आएगा फटाफट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट दूसरी ट्रेन में चढ़ के चला गया वो, अब क्या होगा? अब तो शायद हम उसे, मुझे लगता नहीं अब हम उसे पकड़ पाएंगे। उस ट्रेन में तो वो चढ़ गया है, बट वो ट्रेन खुद यहाँ पे रुक गई है। तो देखते हैं गाइस, अभी हम उसे पकड़ते हैं। और इस टाइम में एक्चुअली जो हमारा डॉगी है चॉप, उसके अंदर मेरी आत्मा आ चुकी है। जैसे गाइस आपको पता है, इस गेम में कभी कभी ऑप्शन मिलता है, हम कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं डॉगी के अंदर घुस गया हूँ, उसके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहा हूँ। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो गाइस इसलिए मैं वापस आ चुका हूँ, और अब उस बंदे को देखता हूँ फटाफट। इन कंटेनर्स को ओपन करके देखते हैं, शायद इनके अंदर हो। और इस कंटेनर के अंदर तो था नहीं, नेक्स्ट के अंदर देख लेते हैं। और यहाँ मुझे तो लगता है आसपास कहीं और जगह दिख नहीं रही, कहीं वो भाग तो नहीं गया। लेट्स सी, होना तो यहीं कहीं चाहिए, इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है। ये चॉप भी मेरे साथ है, और उसको तो, डॉगीज को तो स्मेल इतनी अच्छे से आती है, बट उसको भी नहीं मिल रहा। इन कंटेनर्स के अंदर देखें, शायद इनके अंदर मिल जाए वो। तो गाइस ये कंटेनर ओपन करके देखते हैं हम, और यहीं पे बैठा हुआ है गाइस, बंदा यहीं पे बैठा हुआ है। थैंक गॉड मिल गया। तो पहले मैंने चॉप को इसके पीछे भगाया था, कि क्योंकि चॉप डॉगी है, जल्दी भागता है, उसे पकड़ लेगा। उसने उसे पकड़ के गिरा लिया है, और अब ये पकड़ में आ गया है। बहुत देर से हमें भगा रहा था ये बंदा, अब जाके पकड़ में आया है, तो आखिरकार आ ही गया। चलिए कोई बात नहीं, अब इसे फटाफट वैन में डालते हैं और ले चलते हैं। चल वैन के अंदर चल, तब से भगा रहा है हमें, बहुत टेंशन मार रहा था बाइक पर। अब वैन में, हमारे वैन में बंद हो चुका है, यहां से निकलते हैं अब हम, और इसको लेकर चलते हैं जहां पर लेमार बताएगा वहां पर हम जाएंगे। तो निकलते हैं अब यहां से, बंदा हमारे पास आ चुका है, गाड़ी में हमने डाल लिया है, और अब हम यहां से निकल चुके हैं। और उसके पास हमने डॉगी को भी बिठा दिया है अपने, वो वहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता वैन से निकलने की, क्योंकि चॉप उसके साथ बैठा हुआ है, और आप देख रहे होंगे पीछे से उसे हड़का रहा है वो लगातार। उस बंदे की हिम्मत भी नहीं है कि वो वहां से अभी हिल पाए। तो गाइस उस बंदे को पकड़ के हम लोग ले ही जा रहे थे, बट लेमार ने उस गैंग वाले बंदे को, उसको कॉल करके बोल दिया कि हमने तुम्हारे लड़के को पकड़ लिया है और मुझे इतने पैसे। लेकिन ये मुझे सेफ नहीं लगा, क्योंकि मोबाइल फोन से उनसे कॉल किया तो फिर वो हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। इस बात पे फ्रैंकलिन को बहुत गुस्सा आ गया, उसने गाड़ी रोकी और उसका लेमार का फोन लेके फेंक दिया। और फ्रैंकलिन अब बोल रहा है इस बंदे को छोड़ दो और यहां से निकलो फटाफट, नहीं तो हम ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, सेल फोन पे कॉल नहीं करना चाहिए था। तो गाइज लेमार ने सारा प्लान चौपट कर दिया सेल फोन से कॉल करके, क्योंकि सभी जानते हैं सेल फोन की लोकेशन ट्रेस हो सकती है। जो बंदा करवा सकता है वो सेल फोन से तुम्हारी लोकेशन बहुत ही ईजिली ट्रेस कर सकता है। तो फिलहाल हमने उस बंदे को छोड़ दिया, अब हमें लेमार को कहीं ड्रॉप करना है और निकलना है। लेमार की एक गलती के कारण सारा प्लान चौपट हो गया, फ्रैंकलिन का भी टाइम बर्बाद हो गया गाइस। बट कुछ चीजें हम अब क्या कर सकते हैं, अब जाते हैं, अब लेमार को ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं यहां से। तो लेमार को तो यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया है, और लेमार ने अपने डॉगी चॉप को ले लिया है और वो यहाँ पे चला गया है। अब मुझे यहाँ से निकलना है, सारा मूड खराब कर दिया आज लेमार ने, बट वो हमारा अच्छा दोस्त है, क्या कर सकते हैं, चलते हैं यहाँ से और देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये है हमारे GTA 5 का नेक्स्ट सीन। इसमें फ्रैंकलिन माइकल के घर पहुंचता है किसी काम के लिए, बट
तब माइकल अपने घर से निकल रहा होता है फटाफट, और वो फ्रैंकलिन को भी अपने साथ बिठा लेता है, और वो ये बोलता है कि जैसे ही माइकल भी अभी अपने घर पहुंचा था, जैसे ही पहुंचा उसे देखा एक आदमी उसके घर से कार लेके भाग रहा है। तो माइकल को नहीं पता वो कौन बंदा है, किस लिए उसके घर आया था, शायद वो कोई चोर था क्या था। तो माइकल ने कहा फ्रैंकलिन को कि तू भी मेरे साथ बैठ और हम फटाफट चलते हैं, उस बंदे को पकड़ लेते हैं, फिर उससे पूछेंगे कि वो आखिर माइकल के घर कर क्या रहा था। तो अब ये दोनों जा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसकी कार थोड़ी ही आगे है, बट ये रोड थोड़ी सी पतली रोड है, यहाँ से निकलना स्पीड में थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है हम उसका पीछा कर रहे हैं। फटाफट उसको पकड़ते हैं और पता करते हैं कि वो माइकल के घर क्या कर रहा था, और माइकल को देखते ही वो चोरों की तरह क्यों भागा। कितने सुंदर जगह है गाइस, इंडिया में भी काफ़ी सारे हिल स्टेशन हैं, बट काफ़ी इस जगह को काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा, इतने अच्छे बड़े घर, बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। आपको कैसे लग रही है गाइस, प्लीज टेल मी, डू यू लाइक दिस प्लेस, नाइस माउंटेन व्यू। जिस लोगों को पहाड़ पसंद होंगे उनको ये जगह बड़ी पसंद आ रही होगी आई बेट। तो एक्चुअली हम उस बंदे के घर पहुंच चुके हैं, वो बंदा ऊपर ही खड़ा हुआ है, हम उसके घर पहुंच चुके हैं, और अब हमें शायद जाना होगा और उससे पता करना होगा कि वो माइकल के घर पे क्यों गया था, क्यों भागा था। तो गाइस यहाँ पर माइकल की उस बंदे की थोड़ी बहसबाजी हुई, और आखिरकार माइकल ने ये प्लान किया है कि हम इस घर के जो नीचे पिलर्स हैं उन पिलर्स पे एक रस्सी बांधकर गाड़ी से खींचेंगे और सारा का सारा घर गिर जाएगा। फ्रैंकलिन को आखिर पर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि घर इतना हैवी है, और एक हालांकि ये कार इसकी ये ट्रक थोड़ा पावरफुल है, बट फिर भी उसके लिए बहुत पावर चाहिए, मुझे तो नहीं लगता ये गिर पाएगा, बट क्योंकि माइकल कह रहा है तो फ्रैंकलिन रस्सी बांध दिए। तो गाइस हमने इसके घर को खींचना शुरू कर दिया है, फुल पावर लगा दिए कार की, पूरा एक्सलेटर दबा दिया है, और हाँ थोड़ा थोड़ा घर गिरना स्टार्ट भी हो गया है, और हम लगाते ही जा रहे हैं। फ्रैंकलिन शायद इस टाइम ड्राइव कर रहा है, नहीं माइकल ड्राइव कर रहा है, पावर लगाते जा रहे हैं और घर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। गाइस पिलर मुड़ गए हैं, घर में काफी सारे क्रैक आ गए हैं, और सारा घर नीचे आ गया है। ओ माय गॉड गाइस, आपको क्या लगता है कि सच में किसी कार से ऐसे पुल करने से पूरा घर गिर सकता है? एक्चुअली पर्सनली कहो तो मुझे तो नहीं लगता, बट हाँ यहां पर यह काम हो चुका है। तो पूरा का पूरा घर टूट गया है, और अब माइकल को अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि उसने अपना बदला ले लिया है, और अब वो यहां से निकल रहा है। तो अब यहां से जल्दी निकल जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो पुलिस वुलिस आ जाए और फिर कुछ कहे, क्योंकि किसी का घर गिराना इज इलीगल। तो फटाफट यहां से भागते हैं, जल्दी भाग लेंगे तो शायद पुलिस को नहीं पता चलेगा। फटाफट हमें माइकल के घर पहुंचना है, और बट हम रास्ते में जा ही रहे थे तभी उस बंदे का फोन आया, जो कि जिसके लिए हमने वो घर गिराया। वो बंदा बोल रहा है कि वो घर उसका नहीं था, वो तो बस उस घर में छिप रहा था हमसे छिपने के लिए, बस इसलिए वो वहां पे था, वो उसका घर नहीं था, वो घर किसी और का है और हमने वो घर गिरा दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है, बट माइकल इस चीज से माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने कहा ठीक है जिसका भी घर था अब क्या कर सकते हैं, हमने गिरा दिया तो गिरा दिया, अब यहां से चलते हैं। बट इतने ही टाइम में अब हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, हमें फटाफट अब पुलिस से पहले बचना होगा तभी माइकल के घर जा पाएंगे, ऐसे सीधे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर पुलिस को लेके माइकल के घर चले जाएंगे तो फिर पुलिस को पता चल जाएगा कि ये माइकल ही है। पहले तो पुलिस से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, और फिर पीछा छुड़ाने के बाद ही हम फिर माइकल के घर जा पाएंगे। जल्दी 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 गाइस, पुलिस पीछे से गोलियां भी चला रही है, अंधाधुंध गोलियां और तोड़ गोलियां चल रही हैं, और हम बस गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह पुलिस से पीछा छुड़े और हम यहां से भागें, बट ट्रैफिक इतना है रोड्स पे, कभी कहीं टक्कर कभी टक्कर, और पुलिस से घबरा कर लगता है कुछ ज़्यादा ही बैलेंस खराब हो रहा है, और हमारी गाड़ी बस ठुकती ही जा रही है, कभी इधर कभी उधर। देखिए पूरी कार के ऊपर इतने निशान पड़ चुके हैं, बट हमें एक गोली छू तक नहीं पाई देख रहे हैं आप गाइस, एक गोली तक हमें नहीं छू पाई, गाड़ी चल रही हो गई, बट अभी फिलहाल हमें पुलिस से कैसे छुटकारा पाए।
या तो हमें यहाँ से फटाफट कहीं हाईवे पे निकले या फिर कहीं गलियों में घुस के छुप जाए, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। बट फाइनली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस से पीछा छूट गया है और अब हम जा रहे हैं माइकल के घर। फटाफट माइकल के घर पहुंचते हैं और काम कंप्लीट तभी हो पाएगा ये हमारा। ज़्यादा दूर नहीं है माइकल का घर, यहाँ से पास में ही है, थोड़ी देर में हम माइकल के घर पहुंच जाएंगे। और बट ये तो लग रहा है कि हमने गलती इतनी मेहनत करी, हमने कार से एक घर को गिरा दिया खींच के, बट अल्टीमेटली पता चलता है कि वो घर किसी और का ही था। ये बहुत ही बुरी बात हुई, घर किसी और का, हमने इतनी मेहनत करके गिराया, उस बंदे के लिए कितना मुश्किल होगा जिसका वो घर एक्चुअली था। तो फाइनली हम गए पहुंच चुके हैं माइकल के घर, गिरते पड़ते पीछा करते काम जो करना था वो भी गड़बड़ कर दिया और पुलिस भी पीछे पड़ी, माइकल की कार की हालत भी खराब हो गई, कुछ हाथ नहीं लगा। बट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहुंच गए। तो हम यहाँ पहुंच तो गए बट हमारा पीछा करते करते जस्ट हमारे पीछे कोई और भी आ चुका है। और मैं आपको बता दूं गाइस, जब हम गाड़ी चला रहे थे तब हमारे पास फोन भी आया था और हमें बताया था कि वो घर एक्चुअली किसका था। वो था इस बंदे का घर जो अभी हमारे पीछे आया है। और ये कौन है? ये है एक बहुत ही बड़ा माफिया जिसका नाम है मद्रासो, फुल नेम है इसका मार्टिन मद्रासो। और मुझे लगता है अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है माइकल के लिए, क्योंकि इतने बड़े माफिया का घर उसने गिरा दिया और ये कोई एक्सीडेंट भी नहीं था, ये उसने जानबूझ के किया। हालांकि ये एक गलत फहमी थी बट स्टिल उस बंदे का नुकसान हुआ है, और क्योंकि ये वो एक माफिया है, एक पावरफुल आदमी है, तो वो अपना नुकसान तो पूरा करेगा ही। तो माइकल के लिए बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है। कहां तो वो रिटायरमेंट लेके आराम के दिन जीना चाह रहा था और अब कहां वो फिर से इन माफियाओं के चक्कर में पड़ गया। तो गाइस यहाँ माफिया ने उसे धमकी दे दी है, उसे 2.5 मिलियन डॉलर्स देने के लिए कहा है। माइकल ने कहा है ठीक है मैं आपको वो दे दूंगा, माइकल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और अगर माइकल उसे ये पैसे नहीं देता है तो उसकी हालत खस्ता हो जाएगी, हो सकता है उसके पास ये उसका घर गाड़ी कुछ भी ना रहे। तो लेट्स सी अब माइकल क्या करता है। 2.5 मिलियन डॉलर्स कम नहीं होते गाइस, और माइकल को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा माफिया से बचना है। तो गाइज इतना कुछ होने के बाद जब माइकल फंस चुका है बहुत ही बड़े माफिया मार्टिन मद्रासो के चक्कर में, तो अब माइकल फ्रैंकलिन से बोल रहा है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता था बट अब उसे बिजनेस में वापस आना पड़ेगा क्योंकि उसको मद्रासो को इतने पैसे देने हैं, तो उसको दोबारा से काम शुरू करना ही पड़ेगा और उसके लिए उसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा लेस्टर से। हाँ गाइस, लेस्टर एक बंदा है जो कि माइकल का दोस्त है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है और वो उसके पास बहुत सारे चीजें रहती हैं जिससे कि वो माइकल को काम दे सकता है और पैसे दे सकता है। तो माइकल अब लेस्टर के पास आ चुका है गाइस, और लेस्टर के पास माइकल के लिए एक काम है। उसने माइकल को एक काम दिया है जिसमें उसे एक गैजेट लेके जाना है, और एक बहुत ही बड़ी टेक कंपनी है लाइफ इन्वेडर, उस टेक कंपनी में जाके एक उनके न्यू डिवाइस के अंदर ये लेस्टर का डिवाइस फिक्स करना है। वो टेक कंपनी है, उसने कोई नया डिवाइस लॉन्च किया है मोबाइल फोन, उसके अंदर एक चिप है जो कि लेस्टर दे रहा है माइकल को, वो उसे फिट करनी है, ये उसका काम है। माइकल को ज्यादा इस बारे में और कुछ नहीं बताया गया, लेस्टर ने बस इतना ही कहा है। तो अब माइकल को जाना है, ये काम करना है। लेस्टर ने माइकल को यह भी कहा है कि क्योंकि तुम्हें एक टैकी बन के जाना है तो थोड़े से उस टाइप के कपड़े पहनना, क्योंकि ये सूट वगैरह सूट नहीं करेगा। तो जैसे ही एक यंग एज के टैकीज कपड़े पहनते हैं थोड़े से कूल लुकिंग टाइप, वो उसको पहनने हैं तो पहले इसे एक गारमेंट स्टोर में जाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद इसे वो काम करना पड़ेगा लाइफ इन्वेडर के ऑफिस में जाके। तो माइकल यहां से निकल चुका है और अब वो जा रहा है जो भी इसके नियरेस्ट कोई शॉप होगा, क्लोथिंग शॉप, वहां पे जाके ये अपने कपड़े चेंज करेगा। लेट्स सी कहां पर मिलेगा। तो
तो गाइस ढूंढते ढूंढते हम एक क्लोथिंग शॉप के पास आ चुके हैं और यहाँ पर आके अब हम देखते हैं कि क्या माइकल को क्या कपड़े मिलते हैं और फिर आगे चलेंगे अपना काम करने। लेट्स गो इनसाइड। तो अंदर शॉप के अंदर आके माइकल यहाँ पर बात करता है, पूछता है कि उसे जैसे कपड़े चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो अटेंडेंट है उसने कहा कि यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो पसंद आया परचेज कर सकते हैं। तो माइकल फिर चेकआउट करता है यहाँ के क्लोथ। तो गाइस मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्लोथ चेक किए और मुझे ये थोड़े ठीक ठाक से लग रहे हैं। इसमें माइकल की एज थोड़ी कम लग रही है और वो लग रहा है थोड़ा सा कूल टाइप का टैकी यंग पर्सन, जो कि जैसे कि लेस्टर ने कहा था कि उसके लिए ठीक रहेगा। तो अब हमने परचेज कर लिए कपड़े, अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं लाइफ इन्वेडर ऑफिस के लिए। ये देख रहे हैं आप गाइस, मैंने एक छोटी सी बहुत छोटी सी कार पसंद की है अपने इस मिशन के लिए। हर बार हम सुपर कार्स फास्ट कार्स ही लेते हैं, मैं सोचा ट्राई करते हैं छोटी कार कैसे चलती है। और बहुत ही, आप देखी होगी अभी भी देखिएगा, आप बहुत ही फास्ट चल रही थी ये कार, जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट छोटी सी कार में और अपना मिशन पूरा करेंगे। ट्रैफिक के बीच में से निकलते हुए रेड लाइट्स तोड़ते हुए, क्योंकि अगर रेड लाइट्स पर खड़े रहेंगे तो बस खड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 36 रेड लाइट्स आएंगी हमारी डेस्टिनेशन में पहुँचने से पहले पहले। ज़्यादा दूर नहीं है, अब लाइफ ऑफिस वो आ ही गया है, लगभग उसके पास ही पहुँच गए हैं। तो गाड़ी तो अब मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है, चलना है अब ऑफिस के अंदर। लेस्टर ने मुझसे कहा है कि ऑफिस के अंदर जाने का इंतज़ाम उसने कर चुका है और मैंने लेस्टर को कॉल कर दिया था। तो अब वो बंदा बाहर आके मुझे, जो भी एक ऑफिस का बंदा है वो बाहर आके मुझे ऑफिस के अंदर ले जाएगा और फिर हम काम करेंगे। बंदा आ गया है और अब बस मुझे इसे फॉलो करना है। इस बंदे ने कहा है कि एक्चुअली हमें काम क्या करना है वो एग्जैक्टली इस बंदे को बताया नहीं गया है, बट अभी मुझे यहाँ पे आके सिर्फ इनके कंप्यूटर में कुछ वायरस वगैरह आ गया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और फिर अपना काम कर लूंगा। तो इनका सिस्टम चेकआउट करके मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, बट निकलने से पहले मुझे अपना काम करना है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। राइट साइड में वो ऑफिस है, वो एक नया गैजेट है, एक फोन है, और उसके अंदर मुझे फटाफट से अपनी वो चिप करनी है इंस्टॉल और यहाँ से निकलना है। ये मिल गया मुझको गैजेट, फटाफट से मैं अपना काम करूँगा और यहाँ से निकलूँगा, इससे पहले कि कोई और देख ले और कोई बहुत ही बड़ा मसला हो जाए, मिशन कंप्लीट ना हो पाए। मुझे काम करना होगा, हो तो गया है, अब बस आप फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बस कोई देख ना ले, यहाँ पे मुझसे पूछ ना ले कि मैं क्या कर रहा हूँ। फटाफट यहाँ से निकल जाना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो आप देखिए, मैं ना इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, फटाफट पतली गली बाहर निकल लूंगा। तो अब हम गाइस बाहर निकल चुके हैं बिल्कुल ही सेफली और अब यहाँ से मुझे जाना है अपने घर। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने डिवाइस तो वो कर दिया है वहाँ पे प्लेस, बट पूरा मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेस्टर का कॉल आ गया है, वो मुझे बताएगा आगे क्या करना है। तो लेस्टर से मेरी बात हो चुकी है गाइस, लेस्टर ने मुझे बताया है कि अभी मुझे अपने घर पहुंचना है और घर जाके टीवी ऑन करना है। माइकल पहुंच चुका है अपने घर, अब उसे जाना है और सबसे पहले, और कुछ नहीं, सबसे पहले उसे अपना टीवी ऑन करना है। तो घर पहुंच के मैं देखता हूँ कि माइकल की बेटी टीवी देख रही है। तो माइकल को, क्योंकि काम है बहुत ज़रूरी, वो अपनी बेटी को वहाँ से हटाता है टीवी पे से। उसकी बेटी नाराज़ होती है, बट वो टीवी पे से अपनी बेटी को हटाता है और वो चैनल लगाता है जो कि लेस्टर ने उससे कहा था लगाने के लिए। और वहाँ पे देखते हैं कि वही जो लेस्टर, जैसे कि बताया गया था कि लाइफ इन्वेडर का न्यू गैजेट का वो लॉन्च सेरेमनी चल रही है और जो वो कर रहा है उसका नाम है जे नॉरिस। यस गाइस, जे नॉरिस ये वो बंदा है
उसका नंबर भी मुझे लेस्टर ने दिया है जे नॉरिस का, और मुझसे ये कहा था कि जब ये जे नॉरिस अपना फोन बाहर निकाले लोगों को दिखाने के लिए, उसी टाइम मुझे इसे कॉल करना है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि कॉल करने से क्या होगा, कॉल क्यों करना है, बट लेस्टर ने बस मुझसे ये कहा है तो ये मैं करूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी तो चल रहा है, अब थोड़ी बहुत देर में शायद वो फोन अपना बाहर निकालेगा तभी मुझे कॉल करना होगा। लाइफ इन्वेडर यहाँ की बहुत ही बड़ी टेक कंपनी है, तो इसकी बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है, बहुत सारे लोग सभी लोग इसे जानते हैं। तो गाइस जैसे इसने ये फोन निकाला बाहर, मैंने जे नॉरिस अपना फोन बाहर निकाल के जे नॉरिस को कॉल डायल कर दी है, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कॉल किया, जे नॉरिस के पास कॉल चली गई, उसने मेरा कॉल पिक किया, और गाइस कॉल पिक करते ही उसमें ब्लास्ट हो गया। गाइस जैसे ही मैंने उसे कॉल किया, उसमें फोन में ब्लास्ट हो गया, वो जे नॉरिस की वहीं पर डेथ हो गई। और एक्चुअली माइकल को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेस्टर ने बिल्कुल भी उसे नहीं बताया था कि कॉल करने से होगा क्या। तो गाइस यहीं पे हमारा ये मिशन फिनिश होता है, माइकल ने अपना काम कर दिया, तो ये है हमारा एंड होता है। दिस वॉज द थर्ड एपिसोड ऑफ माई GTA 5 वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी, और आगे भी आपको वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियोस जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा गाइस। ओके थैंक यू वेरी मच, बाय।